गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर सोशल स्टडीज क्लास फर्स्ट क्लास 6. सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया, दिस इज द चैप्टर नंबर 5 एंड इट इज गिवन एट पेज नंबर 132. So take out your book and come on page number 132. So come on page number 132 and in this page chapter 5 is given. So here is your chapter number 5 and the name of chapter is local self-government in urban areas. मतलब जो सरकार का निचला सबसे निम्न स्तर वाला जो गवर्नमेंट है वो अर्बन एरियाज में, मतलब शहरी एरियाज में क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, आपने यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन है, और यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि शहरी क्षेत्र में है उनके बारे में. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक इन रूरल एरियाज वेयर थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम हेल्प रियलाइज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, द सेम फंक्शन इज अचीव्ड बाय म्युनिसिपैलिटीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. जैसा कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के तीन स्तर देखे थे ना, जिसमें जिला परिषद ब्लॉक समिति हो गया था, ठीक है, ग्राम पंचायत हुआ, तो हुआ था, तो वही वैसे ही ठीक उसी तरीके से शहरी क्षेत्र भी उसी तरीके से कार्य करता है. और वो कार्य किससे कवर होता है, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा. द न्यू सेटअप प्रोवाइड्स फॉर थ्री टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नया एक सेटअप तैयार किया गया तीन प्रकार की म्युनिसिपैलिटी के लिए. दीज आर नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स, इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है. फर्स्ट है नगर पंचायत फॉर दोज एरिया विच आर डेवलपिंग फ्रॉम रूरल एरियाज इन टू अर्बन एरियाज. इन्हें नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है उन क्षेत्रों में जहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र में जहां परिवर्तित हो रहे हैं वहां इनको नगर पंचायत कहा जाता है. सेकंड जो है शहरों में जो है म्युनिसिपल कमिटीज कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल कमिटीज कहा जाता है. और जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है जो लोकल गवर्नमेंट है अर्बन एरियाज की, ठीक है. तो इस चैप्टर में मेनली हमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब जो बड़े शहरों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका निर्माण किस तरीके से होता है, तो देखिए कैसे है. द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन वेरी बिग सिटीज, बहुत बड़े बड़े शहरों में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कौन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है. बड़े बड़े शहर फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, पुणे, ये सब जहां पे पॉपुलेशन 7 to 8 lakh है या उससे अधिक जनसंख्या में लोग हैं. देयर आर नियरली 75 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया, भारत में लगभग 75 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं. इन सम स्टेट दे आर ऑल्सो नोन एज महानगर निगम और महानगर पालिका. कुछ राज्यों में इनको महानगर निगम के नाम से भी जाना जाता है और महानगर पालिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. आप भी तो आपके एरिया में भी तो नगर पालिका के नाम से जाना जाता है. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड बॉडी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य हैं वो चुने हुए वोट द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं. द नंबर ऑफ मेंबर्स में डिफर फ्रॉम कॉरपोरेशन टू कॉरपोरेशन, एक जगह के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से दूसरे जगह के कंपैरिजन में क्या होता है, नंबर में अंतर आता है जो उनके मेंबर्स होते हैं. दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द एडल्ट रजिस्टर वोट्स ऑफ द एज 18 इयर्स एंड अबव. इनका चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन के द्वारा होता है. 18 इयर्स से नीचे के लोग को छोड़ के, मतलब 18 इयर्स से और उससे ऊपर के लोग क्या है इनके लिए वोट करते हैं. द सिटी इज डिवाइड, जो भी शहर होता है वो वार्ड्स में डिवाइड होता है, हो जाता है इलेक्शन के पर्पज, जब चुनाव होता है तो उसे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. द कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट, मतलब वार्ड्स में डिवाइड रहता है तो उस हर एक जगह का वार्ड नंबर
डिक्लेयर किया जाता है। द कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी एंड बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। इसके लिए वो जो भी कैंडिडेट है वो उस शहर का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। कितना होना चाहिए, 25 साल। द वोटर टू मस्ट बिलोंग टू द सिटी। जो वोटर हैं वो उस साथ ही साथ वोटर जो वोट दे रहे हैं वो भी उस शहर के निवासी होने चाहिए। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने हुए जो सदस्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं, काउंसलर्स कहते हैं। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स। कुछ सीट जो हैं वो रिजर्व रहती हैं महिलाओं के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। दीज काउंसलर में इलेक्ट सम अदर मेंबर। जो काउंसलर्स होते हैं, जो पहले से चुने हुए मेंबर्स होते हैं, वो और अदर्स मेंबर को भी चुन सकते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज के आधार पे, ठीक है। सच मेंबर्स आर कॉल्ड एल्डर मेंबर्स। कुछ इन मेंबर्स को क्या कहते हैं, एल्डर मैन कहा जाता है। इन मेंबर्स को क्या कहा जाएगा, एल्डर मैन कहा जाएगा। ऑल दीज मैन कॉन्स्टिट्यूट द म्यूनिसिपल पार्टीज। यही जो है, जो एल्डर मैन है या काउंसिल, यही सब मिलके क्या होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण करते हैं। अब इसमें कौन होता है, तो इसमें मेयर और डिप्टी मेयर होते हैं। जो मेंबर कॉरपोरेशन द्वारा चुने जाते हैं वो लोग किसको चुनते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर को आपस में चुन लेते हैं। मतलब जितने लोग चुने जाते हैं वो लोग आपस में, एक हेड को होता है जिसको मेयर बना देते हैं, और एक उसके वाइस प्लेस पे होता है तो वो डिप्टी मेयर हो जाता है। मेयर को ही हम महापौर भी कहते हैं। जितनी भी शहर में मीटिंग्स होती हैं वो कौन बैठाता है, मेयर ही बैठाता है। और जो भी कॉरपोरेशन उनकी संस्था है उनका सारा कार्य वो देखते हैं किसके साथ, उनके अंदर कई अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वो सारे कार्य को देखते हैं और सुचारू रूप से चलाते हैं। वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कार्य कैसे करते हैं, तो देखिए, There are various committee that looks after different issues। यहाँ पे कई कमिटियों का संगठन का गठन किया गया है, ठीक है, अलग अलग फील्ड को देखने के लिए। द काउंसलर डिसाइड ऑन इश्यूज सच एज वेयर अ हॉस्पिटल शुड बी बिल्ड और वेयर अ फ्लाई ओवर इज रिक्वायर्ड। जो काउंसलर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए या कहाँ पे जो प्लेन एन है वो उसकी जगह होनी चाहिए। फर्स्ट अब बजट इज प्रिपेयर। सबसे पहले बजट तैयार किया जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन वेरियस टास्क इज डिसाइडेड। बजट में क्या है कि किस फील्ड में कितना पैसा खर्च करना है, ये चीज पहले डिसाइड हो जाता है। द काउंसलर प्लेस द डिमांड और प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन देयर वार्ड्स बिफोर द म्यूनिसिपल काउंसिल। जो म्यूनिसिपल काउंसिल होता है उनके समक्ष जो है काउंसलर जो है उस क्षेत्र का जो डिमांड रहता है लोगों का या जो समस्याएं हैं उसको पेश करता है। देन द काउंसलर डिस्कस ऑल द, इसके बाद वो इन सारे इश्यूज पे डिस्कशन वार्तालाप करता है। देयर आफ्टर द डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। उसके बाद जो निर्णय लिया जाता है उसको बनाना और उसको संशोधित करने का काम वहां प्रशासनिक स्टाफ जो होते हैं वो करते हैं, ठीक। तो उसके बाद से क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सदस्य हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन एफिशिएंटली म्यूनिसिपैलिटी नीड्स अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अगर शहर के हर एक कार्य को सही रूप से चलाना है तो म्यूनिसिपैलिटी को उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है। इट रिलाइज फॉर द रिक्वायर्ड फंड ऑन द, और इन्हें वो फंड कहाँ से मिलता है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट है फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब राज्य सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। टैक्सेस इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी, जैसे घर पे टैक्स लगता है, दुकानों पे टैक्स लगता है, कर लगता है ना, या जो भी रहने वाला स्थान है उन एरियो पे टैक्स लगता है। तो वो जो टैक्स जमा होता है वो किसके पास जमा होता है, गवर्नमेंट के ही पास जमा होता है ना, मतलब वही टैक्स जो है इनके पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास जाता है। इनकम इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द हाउस एंड फैक्ट्री। जो वाटर जो जल कर होता है या बिजली का बिल होता है, ये सब जो है
या जो पानी सप्लाई होता है घरों में, फैक्ट्रीज में, उन सब पे जो पैसा चार्ज लगता है वो भी इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। ड्यूटी इम्पोज ऑन द गुड्स एंड कमोडिटीज ब्राउट इन और टेकन आउट ऑफ द सिटी। कोई भी सामान जो हमारे शहर से बाहर जा रहा है या बाहर से हमारे शहर में आ रहा है उस पर भी कर लगता है, तो वो कर भी किसके पास जाता है, इन्हीं लोग के पास जाता है। और इन्हीं सब पैसों को इकट्ठा करके वो अलग अलग हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको उन्हें सॉल्व करना रहता है और उसी से उनका इनकम होता है। इन केसेस व्हेन म्युनिसिपैलिटी हैज टू कैरी आउट अ मेजर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज एक्सपेंसेस, इट कैन सीक अ लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी जो है बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार की है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगने वाला है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा लोन प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शन। अब म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का फंक्शन क्या है वो देखते हैं, मतलब कार्य क्या है मेन। तो देखिए क्या है, टू मेक प्रोविजन फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, मतलब कि जो कूड़ा है कचरा है उसके कलेक्शन का काम ये लोग कराते हैं, कि मतलब इधर उधर ना फेंका रहे बल्कि सही जगह एक जगह एकत्रित करके उसको एक किसी ऐसी जगह खुले जगह पे जाके, मतलब जहाँ पे कोई नहीं रहता हो वैसी एरिया में जाके उसको डिस्पोज करने का काम ये लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हॉस्पिटल रन बाय हॉस्पिटल भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, और नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम भी, रोड का मेंटेनेंस भी इन्हीं के अंदर आता है, स्कूल के मेंटेनेंस जो बिल्डिंग है या स्कूल जो बन रहा है वो भी, और साथ ही साथ पानी का सप्लाई का कार्य भी इन्हीं के अंदर में आता है। ठीक है, देखिए सेकेंड क्या है, टू बिल्ड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज एंड लॉन्च इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामर्स, मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल का निर्माण कर, डिस्पेंसरीज का निर्माण कराना, जो भी चिकित्सालय है या आपके ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं जांच वाँच कराने के लिए, ठीक है, ये सब का कार्य भी कौन करता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही करता है, और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रोग्राम भी वो लॉन्च करता है। टू प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ साथ शहर में स्वच्छ और साफ पानी की व्यवस्था करना और बिजली की व्यवस्था करना भी इन्हीं का कार्य है। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द एरिया, साथ ही साथ उनके एरिया में कितनी मृत्यु हुई और कितना जन्म हुआ इसका भी रिकॉर्ड कौन रखता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही रखते हैं। टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, उसके साथ साथ शहर में सड़कें और जो पुल हैं उनका निर्माण का कार्य भी यही कराते हैं, ब्रिजेस का भी निर्माण यही कराते हैं। टू बिल्ड स्कूल पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, शहर में स्कूलों का निर्माण कराना हुआ या पब्लिक लाइब्रेरीज जहाँ पे किताबें मिलती हों या म्यूजियम है, इन सब का निर्माण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर गति आता है। टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये ध्यान देना कि हर घर में स्वच्छ पानी ही जा रहा है, तो ये भी कार्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी प्रोटेस्ट। कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या है, सम टाइम्स सिचुएशन कैन अराइज वेयर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फेल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वह आम जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। इन सच सिचुएशन पीपुल प्रोटेस्ट एंड गेट देयर डिमांड फुलफिल बाय कंप्लेनिंग टू द राइट पीपुल, ये उस समय क्या होता है, लोग क्या करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं या उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, मतलब इस तरीके से क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं और अपने हक के लिए, और एक सही व्यक्ति के पास जाके उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं ताकि वो उनके डिमांड को फुलफिल करे। लेट अस टेक अ लुक एट वन सच सिचुएशन, ऐसे ही एक एग्जांपल का यहाँ एक सिचुएशन एक कंडीशन का एग्जांपल दिया है, उसको समझते हैं। उसके द्वारा द सैनिटेशन वर्कर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज बीन इग्नोरिंग द स्वीपिंग ऑफ द रोड इन सम कॉलोनीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं जो साफ सफाई कर्मचारी होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो बहुत समय तक एक कॉलोनी में जो है बहुत समय से वहां पे झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, द एरिया वॉज कमिंग अंडर द ग्रिप ऑफ एन एपिडेमिक, इसके वजह से क्या हो गया है, वहां का एरिया जो है वो बीमारी वहां पे बढ़ने लगी है। ठीक है,
बीमारियां वहां पे क्या हो गई हैं, बढ़ने लगी हैं। द पीपुल ऑफ वन ऑफ दीज लोकेलिटीज गॉट टूगेदर एंड डिसाइडेड टू गो टू द वार्ड काउंसलर। तब वहां के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ होके वहां के उस जिस वार्ड के अंतर्गत वो कॉलोनी आ रही है वहां के काउंसलर के पास वो जाएंगे। दे प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस बाय शाउटिंग स्लोगन। वो वहां पे उनके घर के सामने एकत्रित होके वहां पे नारा लगाना शुरू कर देते हैं। द काउंसलर इज लिसन टू देयर प्रॉब्लम एंड प्रॉमिस टू पुट द केस इन फ्रंट ऑफ द कमिश्नर। तब काउंसलर जो है उनके समस्याओं को सुनता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि उनकी समस्याओं को कमिश्नर तक पहुंचाएगा। पीपुल साइंड अप पेटिशन, और पीपुल क्या करते हैं इनके खिलाफ क्या कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। द काउंसलर एंड अ फ्यू पीपुल वेंट टू मीट द म्यूनिसिपल कमिश्नर। फिर क्या करते हैं, काउंसलर और कुछ उनके साथ लोग रहते हैं जो म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास जाते हैं। अपॉन हियरिंग देयर ग्रीवेंसेज द कमिश्नर गेव एक्सक्यूजेज लाइक द एरिया वॉज रैम्पेड विद स्नैक्स एंड वाइल्ड इंसेक्ट्स विच प्रिवेंटेड द स्वीपर्स फ्रॉम क्लीनिंग द एरिया। He also said that road in the area are in bad shape and the lighting is also improper which make it difficult for the sweeper to clean the locality. अब देखिए वहां पे जब जाते हैं सारी समस्याओं को सुने कमिश्नर क्या एक्सक्यूज देते हैं कि वो एरिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा जैसे सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिससे वो स्वीपर्स को बचाते हैं एरिया को साफ करने से। ठीक है, ही ऑल्सो उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वहाँ का एरिया का जो शेप है रोड का वो बहुत गड़बड़ शेप है, वहाँ पे लाइट भी सही से नहीं है जिसके वजह से स्वीपर्स को सफाई कर्मचारी को दिक्कत होती है वहाँ पे सफाई करने में। द एंग्री पीपल प्रोटेस्टेड दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड रोड्स एंड पुअर लाइटिंग एंड थ्रेटन्ड दैट इफ नो एक्शन वॉज टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन देन दे वुड फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द कोर्ट। तब जो वहाँ के लोग रहते हैं वो इस पे भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर रोड गड़बड़ है तो वो उसके जिम्मेदार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ही हैं क्योंकि रोड वही बनवाते हैं, लाइटों की व्यवस्था वही करवाते हैं। इस ये कहते हुए वो धमकाते हैं वहाँ की कमिश्नर को और कहते हैं अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम जनहित याचिका में जाकर केस दायर कर देंगे आपके खिलाफ। Eventually, this is what happened. और ऐसा होता है। The city court directed the corporation to immediately look into the matter. तब जो वहाँ शहर का जो कोर्ट होता है वो कॉरपोरेशन को आदेश देता है कि वो तुरंत इस मैटर पे ध्यान दे और इस पे कार्य करे। Following which the street of the colonies were clean. और इसको follow मतलब क्या करना था, उसके बाद से colonies जो हो गई वो कॉलोनीज की जो सड़कें थी वो साफ हो गई। सिंस देन द एरिया हैज बीन कैप्ट क्लीन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर। वो क्या बोलते हैं, कोर्ट तुरंत आदेश देता है कॉर्पोरेशन को कि उस मैटर पे ध्यान दिया जाए और जिस कॉलोनी की बात यहाँ हो रही है वहां की सड़कों को साफ किया जाए तुरंत का तुरंत। तो उसके बाद से उनके आदेश का पालन होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर्स जो होते हैं वो उस कॉलोनी की सड़कों को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लीजिए आप जिस भी कॉलोनी में हैं तो वहां के लिए कोई ना कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त हुआ होगा, अगर आपके यहाँ वो सफाई नहीं करने आता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो उनका काम है साफ करना, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उस पर स्टेप लेंगे और वहां की सफाई कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर 5 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज आपका कम्प्लीट होता है और आप इसको पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ आ गई क्योंकि ये हमारे रेगुलर जो लाइफ है उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और इसका जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्म में चला जाएगा जहां से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ, थैंक यू।